हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है थर्सडे स्पेशल रीडिंग, जिसमें हम तीन ग्रुप्स के लिए मैसेजेस निकालेंगे साईं बाबा जी के। हमेशा आप लोग कहते हो कि मैम पिकअप आई लाओ, सो दैट हमें पता चले कि हमें क्या चूज़ करना है एंड बाबा जी के हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। तो मैं तीन ग्रुप्स के लिए मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है, साईं बाबा जी के लिए। तो फर्स्ट ग्रुप है, और ग्रुप कैसे चूज़ करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। लवर्स का कार्ड है। अगर आप लोग लव लाइफ, रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इस जर्नी के रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस लेना चाहते हैं तो आपके लिए पाइल नंबर वन है। सेकेंड है थ्री ऑफ सोर्ड्स। अगर आप हार्ट ब्रोकन हैं, सेपरेशन फेज में हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपकी लाइफ को स्पॉइल करके रखा है, बर्बाद करके रखा है, तो आप लोगों के लिए पाइल नंबर टू है। एंड पाइल नंबर थ्री, अगर आप कैरियर के लिए देखना चाहते हैं, किसी के कमिटमेंट और कन्फेशन के लिए देखना चाहते हैं, किसी प्रपोजल और अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए पाइल नंबर थ्री है। अगर आप हेल्थ के लिए देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए पाइल नंबर टू है। आई एम डैम श्योर आपको आपके पाइल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम भी निकालते हैं मैसेजेस फॉर पाइल नंबर वन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल्स, होली स्पिरिट, स्पिरिट गाइड, साईं राम, शिव शक्ति, प्लीज साई बाबा जी मैसेज दीजिए पाइल वन को, जिन्होंने लवर्स का कार्ड चूज किया है, उनके लिए आप क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं। अगर किसी को एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो पाइल वन के लिए फर्स्ट मैसेज आया है धोनी। आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को, अपने आप को, अपने पार्टनर को हील करें। हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरेपी इन योर रिलेशनशिप, इन योर लव लाइफ, ठीक है। एंड नेक्स्ट कनेक्शन है सोल ग्रुप। डेफिनेटली यू आर इन सोल ग्रुप, एंड सोल ग्रुप से आपको हेल्प मिलेगी, आपके सोल ग्रुप आपकी हेल्प करेंगे, एंड आप लोग सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ट्रस्ट ऑन दिस कनेक्शन, ट्रस्ट ऑन द डिवाइन, हील करो, प्रेयर करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। दो कार्ड्स निकल के आ गए, मुझे सिंगल चाहिए, तो वन कार्ड लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग साईं बाबा को नहीं भी मानते हो तो ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से ले लो, बिकॉज यूनिवर्स ऑलवेज एक है, ठीक है। ग्रेस, जो भी आपके पास है या जो भी आपको लव लाइफ में मिला है, कभी बैठकर उन मोमेंट्स को याद करो एंड डिवाइन को ग्रेस व्यक्त करो कि इतनी अच्छे पार्टनर आपको मिले हैं, जबकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है बुरा से बुरा, ठीक है। तो ग्रेस व्यक्त करना बिल्कुल मत भूलो। चेंज, ऑलवेज पॉजिटिव रहो फॉर द ब्यूटीफुल चेंजेस इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। आपके लव लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस, आपके रिलेशनशिप में ब्यूटीफुल चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। तो मैनिफेस्ट करना है आपको ब्यूटीफुल चेंजेस को, पॉजिटिव रहना है चेंजेस के लिए। और जब ये चेंजेस आते हैं तो पेन देकर जाते हैं, बिकॉज बिना पेन के तो चेंज होता नहीं है कोई भी। और ग्रेस व्यक्त करो, सोल ग्रुप में हो, बिलीव करो एंड अपने रिलेशनशिप को हील करो, और जो भी नेगेटिव थिंग्स हैं उनको आप लोग इग्नोर करो, ठीक है। तो साईं बाबा जी के मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर वन ये थे। आई होप कि आपसे रेजोनेट किए हैं, आपको पसंद आए हैं। अगर सच में किए हैं, पसंद भी आए हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस रीडिंग। एंड फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, जो पेड हैं, और उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम चेक करने वाले हैं पाइल नंबर टू के लिए, जिन्होंने थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए डिवाइन के, यूनिवर्स के, साईं बाबा जी के क्या मैसेजेस हैं। तो सफरिंग्स, आपकी लाइफ में ना सफरिंग चल रही है, जो कि थ्री ऑफ सोर्ड्स भी बता रहे हैं कि आप लोग काफ़ी हार्ट ब्रोकन हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप लोग परेशान हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। जब दिल टूट जाता है ना, तो दिमाग, बॉडी सब बीमार बीमार सी रहती है, थकी थकी सी रहती है, एक के बाद दूसरी नेगेटिविटी हमारे ऊपर अटैक करती रहती है, क्योंकि हमारा दिल टूटा है, हमारे अंदर पावर नहीं है चीज़ों को फेस करने की, ठीक है। तो साईं बाबा जी यहाँ पे कहना चाहते हैं, डिवाइन यहाँ पे कहना चाहती हैं कि जो ग्रेटेस्ट सोल होती है ना, उनको सफरिंग्स मिलती हैं, बिकॉज सोना जो होता है वो भट्टी में तपकर ही निखरता है और सोना बनता है,
ये पेन आपके लाइफ में इसलिए है क्योंकि आप मैच्योर बनोगे, इससे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, आप अपनी लाइफ के बारे में जीना सीख जाओगे, अपने लिए जीना सीख जाओगे एंड आपकी लाइफ बेहतरीन बनेगी। मतलब बाबा जी चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो, लेकिन आप लोग ना जाने अनजाने सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हो, जिसकी वजह से बाबा जी आपको लेसन सिखा रहे हैं सफरिंग्स के थ्रू। ठीक है, ये सफरिंग्स आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है, तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, ये भी लाइफ का एक पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं नो गेन विदाउट पेन, ठीक है, अगर पेन नहीं है तो गेन नहीं है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड नेक्स्ट मैसेज है द पावर ऑफ उदी, जिनको भी आप मानते हैं, और अगर आप साईं बाबा जी को मानते हैं तो आप उदी का इस्तेमाल करें, और किसको भी मानते हैं आप उनके प्रसाद ग्रहण करें, उनका जल ग्रहण करें, उनसे प्रेयर्स करें और उनसे हील करवाएं, झाड़ा करवाएं अपना। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में है या फिर आपका सेपरेशन चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं, तो पहले ज़रूरत आपके पार्टनर को पॉजिटिव करने की नहीं है, वो तो अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, पहले आप खुद पॉजिटिव होंगे तभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। चैनल, आप में से काफ़ी लोग सोल ग्रुप्स में, सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, एंड इस सेपरेशन के बाद आप लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं, चैनल मैसेजेस आप लोगों को मिल रहे हैं, डिवाइन मैसेजेस आप लोगों को मिल रहे हैं, हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है, एंजल मैसेजेस मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिवाइन आपके साथ है और आपको सपोर्ट भी कर रही है, सो ऑलवेज थैंकफुल रहिए। एंड ये कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्मा का ही इन्फ्लुएंस है जो कि लाइफ में इतना पेन है, बट ये जो पेन है इसे नेगेटिव कर्मा रिलीज हो जाएगा एंड बहुत जल्दी आप लोग लाइफ में हैप्पीनेस गेन करोगे। एंड बॉटम भी वही आ गया, अबंडेंस। ठीक है, आप लोग ना प्लांट्स की केयर किया कीजिए, एनिमल्स और बर्ड्स को फीड कराया कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, उदी का ग्रहण कीजिए या फिर जल प्रसाद का ग्रहण कीजिए एंड डिवाइन पे ट्रस्ट रखें, और ये सफरिंग बहुत जल्दी निकल जाएगी एंड ओवरऑल फाइनली आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस आएगी। ठीक है, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए थे जिन्होंने ग्रुप नंबर 2, 3 ऑफ सोर्ड्स चूज किया है। अब हम लोग चेक करेंगे ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने चूज किया है 2 ऑफ रोड्स। ठीक है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, जो किसी कैरियर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी कमिटमेंट, किसी कन्फेशन का वेट कर रहे हैं, किसी कॉल, किसी टेक्स्ट, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज आता है। बी असर्टिव, आपके लिए मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, कॉल मैसेज टेक्स्ट मिलेगा, कमिटमेंट कन्फेशन मिलेगा। ठीक है, लर्निंग, अभी आपको लाइफ में कुछ सीखने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, काफ़ी लेसन है आपके पेंडिंग, तो अपने लेसन्स को सीखिए, इंडिपेंडेंट बनिए, कैरियर में अच्छे बनिए और अपने लाइफ में ग्रोथ लेकर आएँ। ठीक है, क्योंकि अगर अभी एकदम चीज़ें नहीं फेवर में हो पा रही हैं, दैट मीन्स आपको अपने स्किल्स, आपको अपनी नॉलेज और इंक्रीज करने की ज़रूरत है, कुछ नया से नया सीखते रहिए। कट क्लियर और क्लींस कर दीजिए उन चीज़ों को जो वर्क नहीं करती हैं आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आती हैं, टेंशंस लेकर आती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मैसेज है फेस रियलिटी। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा मिराज के पीछे भागते हैं, डे ड्रीमर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये सोचते हैं कि जो हम ड्रीम कर रहे हैं वो बैठे बिठाए हमको मिल जाएगा और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको रियलिटी को फेस करना है, मेहनत करनी है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, बाकी के जो काम है लाइफ में, जो कि काम अभी होके नहीं दे रहा उसको साइड में करो, जो हो सकते हैं उनको करो, पॉजिटिव रहो, रियल लाइफ को फेस करो, प्रैक्टिकल रहो, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत रहो। एंड बॉटम है बैलेंस, अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा बैलेंस बना के चलोगे उतना ही बेहतर है, बिकॉज बैलेंस से ही आप लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कभी बिल्कुल ही कोडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस बनाकर चलो, कई बार बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, अगेन बैलेंस बनाकर चलो। कई बार किसी को हम इग्नोर करते रहते हैं और कई बार उसके लिए मर मिटने को रेडी हो जाते हैं, तो अगेन यू नीड प्रैक्टिकल प्लान्स इन योर लाइफ एंड यू नीड टू मेंटेन बैलेंस इन योर लाइफ। अगर ये सब हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और जिनको जिनको तीनों पाइल्स में कन्फ्यूज़न थी या फिर जिनको लगता था कि एक से ज़्यादा पाइल उनके लिए हैं या फिर जो कलेक्टिव रीडिंग चाहते हैं,
उनके लिए भी मैं मैसेजेस निकाल रही हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग, एंड फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, जिसके डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सबके लिए मैसेज, जो कि मैसेज पाइल नहीं चूज कर पा रहे या फिर कंफ्यूज हैं, बी द लाइट। आपको लोगों की लाइफ में रोशनी लानी है, लाइट बनना है, उनका भला करना है, आपके लाइफ में लाइट अपने आप आ जाएगी, ठीक है। ऑल इज वेल, बिलीव रखना है कि अभी जितना भी बुरा हो लेकिन आगे सब अच्छा होगा, आपके डिवाइन, आपके सुप्रीम पावर्स, आपका यूनिवर्स आपके साथ है। कार्मिक क्लींजिंग, अगर लाइफ में कुछ पेन भी है तो कार्मिक क्लींज हो रहे हैं, कर्मा क्लींज हो रहे हैं, डेफिनेटली आगे गेन मिलेगा। होली बुक्स आप लोग रीड किया कीजिए, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, आपकी नॉलेज एनहांस होगी, आपको आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे। एंड यू आर द यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स के पीछे भाग रहे हो, जिस प्यार के पीछे भाग रहे हो, जिस अबंडेंस के पीछे भाग रहे हो, वो जनरेट करने की पावर भी आप में है और वो सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन होता क्या है कि हम हमेशा नेगेटिव वेसेस होते हैं और नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो सब कुछ आपके पास है, डू नॉट जज। लोगों को जज करना, सिचुएशन को जज करना बंद कर दीजिए, बिकॉज जज करना है तो सिर्फ खुद की लाइफ को जज कीजिए कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट जज अदर्स, ठीक है। तो ये थे मैसेजेस, आई होप इस तरह की रीडिंग आपको देखनी पसंद होगी। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे डिवाइन साईं बाबा जी ब्लेस यू एवरी वन। बाय, टेक केयर।